बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो फर्टिलाइजेशन के हवाले से है। आपके सिलेबस में भी यही हेडिंग मौजूद है फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में, रिकॉग्निशन ऑफ एग एंड स्पर्म। इसमें वो फर्टिलाइजेशन से पहले वो आपको ये बता रहा है कि किस तरह से अगर हम एक जनरल इन्वायरमेंट की बात करें जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। तो जब स्पॉनिंग हो रही है, स्पर्म वगैरह रिलीज हो रही हैं, तो फिर स्पर्म कैसे जो है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड एग्स, और किस तरह से हर एक स्पीशी का स्पेसिफिक स्पर्म जो है वो स्पेसिफिक एग के साथ इंट्रैक्ट करता है, तो उस पर हम बात करेंगे। जिसमें आ जाएगा जी स्पर्म की रिकॉग्निशन क्या है। रिकॉग्निशन के हवाले से अगर हम देखें तो ये 5 स्टेप बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है ना, ये है कीमो अट्रैक्शन, के जो ओवम है या जो एग है वो ऐसे केमिकल रिलीज करता है, वाटर सोल्युबल केमिकल होते हैं जो कि स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग्स बाय द सोल्युबल मॉलिक्यूल सेक्रेटेड बाय द एग। एग जो है वो केमिकल रिलीज करेगा, जो कि केमिकल अट्रैक्शन देंगे तो वो एग की तरफ स्पर्म मूव करेगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जैसे ही एग और स्पर्म आपस में स्पर्म मूव करता है एग की तरफ, तो जो इसका एक्रोसोमल रेडिकल था, स्पर्म का जो हेड था इसका, उसमें एग्जोसाइटोसिस होती है। एग्जोसाइटोसिस से क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज होती है, ठीक है जी। वो एंजाइम जो है फिर इन दोनों को आपस में बाइंडिंग में मदद करते हैं। फिर बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एक्स्ट्रासेलुलर एनवेलप। अब अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात होगी तो उसमें ये व्हाइट लाइन लेयर होगी, और अगर बात होगी वर्टिब्रेट्स की तो उसमें ये जोना पेल्यूसिडा, इस पर हम बात कर चुके हैं, ये जोना पेल्यूसिडा जो है ये अट्रैक्ट, इसके साथ वो आकर स्पर्म फाइंड करेगा। जोना पेल्यूसिडा किसका पार्ट था, एग का पार्ट था, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की बात। लास्ट पे क्या होता है, द पैसेज ऑफ द स्पर्म थ्रू दिस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप, यानी जोना पेल्यूसिडा से होकर फिर नेक्स्ट वो एग तक वो पहुंचता है, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो लास्ट स्टेप जो है फिर आखिर बिन की फ्यूजन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन पे हम अभी बारी बारी बात करते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल भी आ सकता है, ठीक है, और इसके अलावा ये आपका आप कह सकते हैं कि उसमें आ सकता है, अगर पार्ट वाइज भी आए ये सवाल तो आ सकता है कि इसके रिकॉग्निशन के बारे में। अब क्या था ये जनाब, के जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें द सम टाइम्स स्टेप 2 और 3 आर रिवर्स्ड एज इन द मैमिलियन फर्टिलाइजेशन। 2 और 3 क्या होता है कि वो रिवर्स होते हैं। पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे बात कर लें। हाँ, कि एक्सटर्नल देखिए ना, वी विल फोकस ऑन द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द सी अर्चन विच अंडरगो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे बात करते हैं, उसके बाद फिर वो माइस पे बात करेगा जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं कि जो कि आउटसाइड द बॉडी हो रही है। अब ऐसे इन्वायरमेंट में आप देखें, वाटर इन्वायरमेंट है, सी अर्चन बहुत सारे हैं, अब वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जनाब उसका ओवम है, ठीक है, उस तक वो मूव करेगा, यानी रिकॉग्निशन किस तरह से होगा, सही है। तो ये आप जरा इसमें देखें, मैनी मैरीन ऑर्गेनिज्म रिलीज देयर गैमेट्स इनटू द वाटर। तो वो जब उन्होंने इस पानी में बहुत सारे एनिमल्स ने अपने गैमेट्स रिलीज किए हुए हैं, तो अब वो तो एक पूल है और लार्ज ओशन की तरह वो काम कर रहा है। ऐसे इन्वायरमेंट में किस तरह से गैमेट्स जो हैं एक स्पेसिफिक स्पीशी के आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, तो उस पर डिस्कशन होगी। आपको उसका क्वेश्चन की समझ आ गई है कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये देखें इसमें वो कहता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टू मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि हाउ स्पर्म एंड एग मीट विद ईच अदर, पहला पॉइंट ये कि भाई वो किस तरह से मिलेंगे डाइल्यूट इन्वायरमेंट, और उसके बाद ये है कि हाउ कैन द स्पर्म प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्राइंग टू फर्टिलाइज द एग ऑफ अनदर स्पीशीज। ये दो प्रॉब्लम है इसमें। पहली प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से एग और स्पर्म आपस में मीट करेंगे, दूसरा ये है कि ये कैसे कंफर्म होगा कि एक ही स्पीशी के स्पर्म और एग आपस में मीट करें। देखिए ना, वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है तो बहुत सारे आपस में वहाँ पर एनिमल्स मौजूद हैं, तो अगर
स्पीशीज सी अर्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, सी अर्चन आपको पता होगा ये इनवर्टिब्रेट फाइलम इकोनोडर्मेटा से बिलोंग करने वाला एनिमल है, तो बहुत सारे और भी तो इनवर्टिब्रेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके स्पर्म आपस में मिक्सअप क्यों नहीं होते। तो कहता है कि इसके लिए दो आगे इसके सोल्यूशन है। सबसे पहले क्या होता है कि स्पेसिफिक स्पीशी अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म, हर एक स्पीशी जो है उसके स्पेसिफिक अट्रैक्शन होती है, तो उसके बाद खास किस्म की जो स्पीशी है उसके स्पर्म एक्टिवेशन होती है, अट्रैक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीशी। तो जनाब हम इसको बारी बारी देख लेते हैं कि किस पे वो बात कर रहे हैं कि स्पर्म की अट्रैक्शन किस तरह से हो रही है। ओवर द लार्ज डिस्टेंस एग कीमोटैक्सिस तो है, अब वो कौन से ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक स्पर्म है वो सेक की तरफ मूव करता है। इन मैनी स्पीशीज द स्पर्म्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एग ऑफ देयर स्पीशीज बाय कीमोटैक्सिस, दैट इज बाय द फॉलोइंग द ग्रेडियंट ऑफ केमिकल सेक्रेटेड बाय द एग। अच्छा अब एग कौन से केमिकल को रिलीज करता है, इसमें ये मुलर वगैरह ने एक्सपेरिमेंट किए थे एग ऑफ नाइडेरियन। अब ये नाइडेरियन भी इनवर्टिब्रेट है जिसमें हाइड्रा आता है, जेलीफिश आती है। हाइड्रा डोंट नॉट ओनली सेक्रेट द कीमोटैक्टिक फैक्टर बट ऑल्सो रेगुलेट द टाइमिंग ऑफ इट्स रिलीजेस, के ये जो हाइड्रा वगैरह हैं ये ना सिर्फ केमिकल को रिलीज करते हैं कीमोटैक्सिस को बल्कि उनका टाइम भी स्पेसिफिक होता है। डिवेलपिंग ओवोसाइट एट द वेरियस स्टेज ऑफ देयर मैच्योरेशन वर फिक्स्ड। आप कहते हैं ये जो मुलर है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये जो मिलर है इसने ये कहा कि हमने डिवेलपिंग ओवोसाइट को अपनी माइक्रोस्कोपी स्लाइड के ऊपर आके देखा कि द स्पर्म्स वर रिलीज एट द सर्टन डिफरेंस फ्रॉम द एग, यानी एक स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर ओवम को रखा, एग्स को रखा, वो साइड को रखा और उसके कॉर्नर पे हमने स्पर्म को रिलीज कर दिया। तो कहता कि मिलर ये साइंटिस्ट है, इसने क्या है ये आपने रेफरेंस देना है कि मिलर ने ये बात की, मिलर ने कहा व्हेन द स्पर्म वर एडेड टू द ओवोसाइट that had not yet completed the second meiotic division, there was no attraction of the sperm. कि जिस egg में second meiosis complete नहीं हुई थी उसके उसकी तरफ किसी भी sperm की attraction नहीं थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब second meiosis complete होती है तो उस वक्त वो egg जो है वो chemical को release करता है, या जो वो लिख रहा है because after the secondary meiotic division the egg are ready to be fertilized, thus the oocyte, these oocytes control not only the type of the sperm but also attract the sperm at the time. ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि ये chemotaxis हो रही है, sperm को कौन attract कर रहा है, external fertilization के case में sperm वहां पर पड़ा हुआ है पानी में और egg भी है, तो egg sperm को अपनी तरफ attract करेगा, लेकिन वो sperm वो egg attract करेगा जिसमें डेवलपमेंट हो चुकी है, जो कि सेकेंड मायोटिक डिवीजन कर चुका है, तो आगे वो केमिकल जो रिलीज करेंगे वही केमिकल उसके वहां पहुंचे। अब कहता है जनाब के ये देखते हैं हम कि वो कौन से केमिकल रिलीज करता है, कि मैकेनिज्म ऑफ कीमोटैक्सिस डिफर अमंग द स्पीशीज, कीमोटैक्सिस का मैकेनिज्म स्पीशीज में मुख्तलिफ है। The chemotactic molecules are different even in closely related species. यानी हर स्पीशी का केमिकल रिलीज करने का जो मैकेनिज्म है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। तो उस पर अभी हम बारी बारी देख लेते हैं कि क्या क्या कहता है सी अर्चन के बारे में। In the sea urchin, the sperm mortality is acquired when the sperms are spawned in the seawater. जब वो सी वाटर में स्पर्म को रिलीज करता है तो उस वक्त स्पर्म मूव करने के काबिल हो जाता है। अच्छा जी, तो एज लॉन्ग एज द स्पर्म सेल्स, ये इस पर हम बात करेंगे कि ये क्या वो स्ट्रक्चर बता रहा है, पहले हम जरा इसको थोड़ा सा रीड कर लें फिर इस पर हम बात करेंगे। ये डायग्राम आपने बनानी है जी। स्पर्म्स आर टेस्टेड, दे कांट मूव, कहता जब सी अर्चिन के अभी तक जब रिलीज नहीं हुए ये मूव करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि इनकी पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन गोनेड्स में ज्यादा होती है, इसकी वजह से पीएच कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए ये मूव नहीं कर सकते। लेकिन जब ये बॉडी से रिलीज कर दिए जाते हैं वंस स्पॉन्ड
इन द सी वाटर द स्पर्म पीएच इज एलिवेटेड, यानी वो जो 7.2 पे थी वो 7.6 पे चली जाती है। जब 7.6 पे पीएच चली जाती है तो उसमें एक एंजाइम डायनेम एटीपेज एंजाइम है, ये एक्टिव हो जाता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है या सुना है तो आपको पता चल गया होगा कि जो स्पर्म का एक्सोनीम था, ठीक है, उसके एक्सोनीम में डायनिन प्रोटीन थी, डायनिन प्रोटीन, तो डायनिन प्रोटीन के लिए डायनिन एटीपेज एंजाइम होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द फ्लैजेला टू मूव, ठीक है। ये मैं आपको अगर वापस लेके चलूँ वहां पर के जहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था, अगर आप आके अगर रिकॉल कर लें इसको, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ये देखें, इसमें ये डायनिन प्रोटीन्स हैं, ये डायनिन प्रोटीन्स हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी समझाई थी कि डायनिन प्रोटीन जो है ये यहाँ पर होती हैं, ये डायनिन एटीपेज एंजाइम आएगा, ये एक्सोनीम का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, ये स्पर्म में ये जो एक्सोनीम का स्ट्रक्चर है जो फ्लैजेला को मोर्टेलिटी देता है। तो कहता है कि हमने देखा है कि ये जनाब इसमें नहीं होता, जब तक स्पर्म रिलीज नहीं होता तो उस वक्त तक ये डायनिन एटीपेज एंजाइम एक्टिव नहीं होता, जब ये एक्टिव हो जाता है तो फिर ये स्पर्म को मूव करने में मदद करता है, ठीक है ना। अब ये एक्टिव इसको कौन करता है, इसको एक्टिव करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए पीएच चाहिए जो कि 7.6 होती है। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया स्पर्म एक्टिवेशन के लिए कि डायनिन एटीपेज ये मैकेनिज्म है आपने लिखा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे, बट द एबिलिटी टू मूव डजंट प्रोवाइड द स्पर्म विद अ डायरेक्शन, हाँ अब दूसरा पॉइंट है किस समत में मूव करना है। डायनिन एटीपेज ने उसको मूव करने में मदद दे दिया, अब अगली बात यह है कि भाई किस तरफ मूव करना है। अब जो किस तरफ है ना, वो जो डायरेक्शन उसको है वो उसको मूव करने में एक और प्रोटीन है जिसका नाम है रेसेट प्रोटीन। द डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द स्मॉल कीमोटैक्टिड पेप्टाइड सच एज रेसेट। दिस रेसेट इज एक्चुअली ये प्रोटीन इज 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड That has been isolated from the egg jelly of sea urchin. अब ये एग के एग में है, ये उसको अपनी तरफ खींचेगी, डायनल एटीपेज उसको मूव करने में मदद करेगा और जो डायरेक्शन देगा भाई किस समत में आना है, किस समत में जाना है, वो रेसेट देगा। ये दो मैकेनिज्म आपके हो, यही मेन कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक हो गया। दिस रेसेट प्रोटीन डिफ्यूजेज इन द वाटर एंड हैज प्रोनाउंस इफेक्ट इन वेरी लो कंसेंट्रेशन। जब कहता है कि हमने वाटर में इसको ऐड किया तो उसने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये व्हेन अ ड्रॉप ऑफ सी वाटर कंटेनिंग द अरेबिका स्पर्म, ये एक एक्सपेरिमेंट भी उसमें आगे बता रहा है। कहता है कि हमने वो जब एक स्लाइड के ऊपर ये अरेबिका का एक स्पर्म रखा तो स्पर्म जनरली स्विम इन द सर्कल, स्पर्म सर्कल में मूव कर रहा था। उसके बाद जैसे ही हमने विद इन अ सेकेंड सेकेंड्स में हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसेट डाल दिया तो स्पर्म ने माइग्रेट किया, उसको डायरेक्शन मिल गई। पहले वो गोल चक्कर लगा रहा था कि किस तरफ जाऊं, अब उसको डायरेक्शन मिल गई कि जिस तरफ से हमने इंजेक्ट किया था। ये साइंटिस्ट बता रहे हैं, ये जो साइंटिस्ट है वार्डा, ये कहता है वार्ड ने, कहता है कि जिस तरफ से हमने स्लाइड के ऊपर वो एंटर किया रेसेट, कंग्रीगेट स्पर्म कंग्रीगेट देयर, कंग्रीगेट मतलब उस तरफ आ गए, हरकत करके आ गए, ठीक है। बात आपको समझ आ गई, बात क्लियर होगी आपको। तो दो बातें आपने माय डियर मैकेनिज्म में पढ़ ली हैं, पहला मैकेनिज्म क्या है, डायनिन एटीपेज है और दूसरा है रेसेट प्रोटीन है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, अब एक और भी बहुत अहम बात है, कहते हैं कि एग ने तो रेसेट प्रोटीन रिलीज कर दी, अब स्पर्म उसको कैसे पकड़ेगा, ठीक है जी। स्पर्म के स्ट्रक्चर के ऊपर रेसेट बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं, ठीक है जी। रेसेट कौन रिलीज कर रहा था, एग, एग की सरफेस से रेसेट प्रोटीन रिलीज हो रही है। अब उसके साथ बाइंड कौन कर रहा है, रेसेट के साथ। रेसेट इज अ स्पेसिफिक दैट डजंट अट्रैक्ट द स्पर्म ऑफ अदर स्पीशीज, ठीक है ना। कहता है कि ये रेसेट जो है ये अपनी ही स्पीशी के लिए होता है
ये किसी और स्पर्म को अट्रैक्ट नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। ये देखें, कहता हमने देखा है द स्पर्म हैव द रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन दैट बाइंड विद द रेस्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, रिसेप्टर जैसे ही व्हेन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ द रिसेप्टर बाइंड द रेसिप इट एक्टिवेट्स द गोनाइल साइक्लेज एक्टिविटी इन द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द रिसेप्टर। गोनाइल साइक्लेज दिस कॉजेस द स्पर्म सेल टू मेक मोर साइक्लिक जीएमपी। दिस कंपाउंड एक्टिवेट द कैल्शियम आयन व्हिच कैल्शियम आयन मूव From the sea water into the sperm provided the direction cues। नहीं नहीं, ये मैकेनिज्म आपको कंप्लीट हो गया। तो पता चला आपको कि पहला हमने देखा कि स्पर्म जैसे ही उसकी बॉडी से निकल कर सी वाटर में सी एच एम की बॉडी से निकल कर तो उसकी पी एच इंक्रीज होती है 7.6 पे। इस पी एच के इंक्रीज होने से एटीपेज डायनिन एटीपेज आ जाता है जो उसको एक्टिवेट कर देता है। अब ये अब स्पर्म मूव करना शुरू हो गया, लेकिन अगला जो पॉइंट है कि किस तरफ मूव करेगा, उसको जो डायरेक्शन मिलेगी तरफ मूव करने वाली वो देगा रेसेट प्रोटीन। ये रेसेट प्रोटीन कहाँ पर होगी? ये एग की जेली के ऊपर होगी। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंटली भी इसको देखा है कि जब स्लाइड के ऊपर हमने स्पर्म रखे हैं, जैसे ही रेसेट को एंटर किया है जिस साइड पे, तो सारे के सारे स्पर्म उस तरफ कन्वर्जेट करना शुरू हो गए। अब अगली बात यह है कि क्या रेसेट सारे स्पर्म को अट्रैक्ट करता है? तो उसने कहा कि रेसेट जो है ये स्पीसी स्पेसिफिक है, अपने ही स्पीसी के मुतालिक जो एनिमल्स होते हैं उनके स्पर्म को ये अट्रैक्ट करता है। कहते कैसे अट्रैक्ट करता है? क्योंकि स्पर्म की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर बाइंड करते हैं रेसेट प्रोटीन के साथ। जैसे ही ये रेसेट स्पर्म की सरफेस के साथ जाकर बाइंड करता है, स्पर्म के अंदर गोनाइल साइक्लेज एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर साइक्लिक जीएमपी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट ये बनते हैं, और इसके बनने से फिर कैल्शियम आयन पानी से उसके अंदर एंटर होते हैं स्पर्म के अंदर, तो उसको क्यू मिल जाता है कि भाई किस तरफ मैंने मूव करना है। ठीक हो गया। नाउ इट इज स्टेटेड दैट द बाइंडिंग ऑफ सिंगल रेसेट मॉलिक्यूल इज एबल टू प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर द स्पर्म विच स्विम ऑफ द कंसेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं मैकेनिज्म में, ये बहुत अहम पॉइंट थे, एक डायनिन प्रोटीन का और दूसरा रेसेट प्रोटीन। ये दो प्रोटीन जो है एक मूव करने में मदद दे रही है, दूसरी डायरेक्शन उसको। यहाँ तक आपका पहला पॉइंट कम्प्लीट होता है जिसमें वो स्पर्म की अट्रैक्शन है। आगे है एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। रेसेट ही स्पर्म को एक्टिवेट भी करती है, रेसेट दो काम कर रही है। स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड कॉजेस द ड्रामेटिक एंड इंटरमीडिएट इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन एंड स्पर्म मोर्टेलिटी। एक तो ये होगी, द इंक्रीज इन साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन एक्टिवेट द माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी जनरेटिंग ऑपरेटर्स एंड डायनिन एटीपेज स्टिमुलेट द फ्लैजेलल मूवमेंट। Upon meeting the reset, sperms are told where to go and given the motive force to get there. यानी उनको एक्टिव करने में ये सारे का सारी प्रोटीन अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक हो गया। ये बच्चों आपने दो पॉइंट इसमें देख लिए हैं, उसके बाद हम एक्रोसोमल रिएक्शन भी देखते हैं। दोबारा इसको मैं आपको बता दूं कि दो पॉइंट्स हमने अभी तक सिर्फ डिस्कस किए हैं, ये यहाँ से ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जाता है। उसको ओवरकम करने के लिए दो पॉइंट हमने देखे थे। पहला पॉइंट क्या था? स्पीसी स्पेसिफिक जो है स्पर्म अट्रैक्शन होती है कि दूर में स्पर्म रिलीज हो गए हैं तो वो एग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो स्पर्म उधर आकर एक्टिव भी हो जाते हैं। तो उनको मूव करने के लिए कौन मदद करता है? सबसे पहले हमने देखा था डायनिन प्रोटीन मूव करती है स्पर्म को मूव करने में मदद करती है, और उसके बाद जो है वो रेसेट प्रोटीन। ठीक है ना, रेसेट प्रोटीन जो है वो उसको मूव करने में मदद करवाती है रेसेट प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर हम मजीद देखें एक्रोसोमल रिएक्शन, अगला जो पॉइंट आ रहा है, ये डायग्राम हम देख लेते हैं।
इन वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए ये सी अर्चन का एग, ये एग की सरफेस है, ये जो येलो है, ये येलो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है, एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है, इसका व्हाइट लाइन इनवेलप है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है सारा, ये स्पर्म मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंच आया है, तो ये जो स्पर्म का हेड है ये एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम जो है ये जब जैसे ही ये इस व्हाइट लाइन इनवेलप के साथ अटैच होता है तो इसकी इलांगेशन होती है, ये देखें पहले राउंड था, राउंड होने के बाद इसका एक्रोसोमल प्रोसेस बन गया, एक्रोसोम ने इलांगेट हुआ, जब एक्रोसोम इलांगेट होता है तो ये देखेंगे राजू ये पीछे न्यूक्लियस है ब्लू वाला, ये इसकी देखना जरा, ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन है, ये इसके अंदर सेंट्रियोल है, ठीक है ना, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, तो ये एक्रोसोम एनलार्ज हुआ है तो एक्रोसोम प्रोसेस बना है, एक्रोसोम प्रोसेस को क्या हुआ, इसने डाइजेस्ट कर दी जेली, ये जेली को डाइजेस्ट करते हुए आगे की तरफ चला गया, और ये जो लाइन थी जी ये एग मेम्ब्रेन, एग सेल मेम्ब्रेन इसके पास ये पहुंच गया, ये देखिए एग सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच, अब ये फ्यूज करेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें जी, अब ये एक्रोसोम ने ये एग सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर दिया है, तो अब एक्रोसोम जो है ये एग सेल मेम्ब्रेन से बाइंड कर गया, अब ये न्यूक्लियस एग के अंदर चला जाएगा, ये न्यूक्लियस एग के अंदर चला, ठीक है, बाकी सारे क्या सारा स्ट्रक्चर बाहर है, मिड पीस और फ्लैजेलम बाहर रहता है, इस तरह से ये जो स्पर्म का ये जो न्यूक्लियस है ये अंदर चला जाएगा, और ये देखें इसके साथ फ्यूज हो गया, ये बाकी के सारा बाहर रहेगा, इसी तरह से ये वर्टिब्रेट का है, तो या जब वर्टिब्रेट का आएगा तो मैं आपको उसकी डायग्राम बताऊंगा। अच्छा तो आगे जनाब हम चलते हैं इसमें, स्लो हो गया जी, एक्रोसोम रिएक्शन के, एक्रोसोम क्या होता है, ये सेकंड स्टेप है, सेकंड अट्रैक्शन बिटवीन द स्पर्म एंड एग जेली इज एक्रोसोम रिएक्शन, हम तस्वीर में भी देख के आए हैं, एक्रोसोम जो है ये स्पर्म के हेड में होता है और ये वाइट लाइन इनवेलप के साथ बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद जो है वो न्यूक्लियस को एग के अंदर रिलीज करवाता है, अभी हम देखेंगे वो किस तरह से बाइंड करता है, असल में चूंकि अब आपका मास्टर्स लेवल है तो आपको वो मैकेनिज्म असल में जो उसका फोकस है वो मैकेनिज्म पे है कि किस मैकेनिज्म के अंदर वो बाइंड करता है, तो कहता है कि एक्रोसोम रिएक्शन हैज टू मेन कंपोनेंट, पहले में क्या होता है फ्यूजन ऑफ एक्रोसोम वेसिकल विद स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले वो स्पर्म सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, स्पर्म सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा, उसके बाद फिर वो जो है वो एग के साथ बाइंड करेगा जी, एक मिनट मैं अभी आपको इसके बताता हूँ जी, सॉरी आपको बीच में मैंने रोक दिया, तो पहला पॉइंट क्या है फ्यूजन ऑफ एक्रोसोम रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ द एक्रोसोमल कंटेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, ठीक हो गया, ये बच्चों जो पहला स्टेप हमने किया है ये जो हम उसमें डायग्राम में देख के आए हुए हैं एक्रोसोमल प्रोसेस में, ये फर्स्ट स्टेप में ये एक्रोसोम की बाइंडिंग हो गई, एक्रोसोम की एक मेम्ब्रेन से बाइंडिंग है, दूसरे स्टेप में ये न्यूक्लियस का रिलीज होना, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एक्रोसोमल बाइंडिंग है जी, द एक्रोसोमल रिएक्शन इन द सी अर्चन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म विद द एग, दिस कॉन्टेक्ट कॉज द एग्जोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म वेसिकल टू रिलीज प्रोटियोलिटिक एंजाइम, क्योंकि जो एग की मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन से बनी हुई है, जो प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन है उसमें वो
क्या करेगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करेगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, क्या मतलब होता है इनका, प्रोटियोलिटिक एंजाइम का, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, जो कि अब चूंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो सारी प्रोटीन से बनी हुई है, उसकी सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी हुई है, तो अब उसको प्रोटीन की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा जी। वंस द स्पर्म रिलीजेस द एग सरफेस, एक्रोसोम प्रोसेस एडहियर टू द व्हाइट लाइन एनवेलप और द स्पर्म सरफेस, ठीक है जी, उसकी सरफेस पे ये पहुंचेगा। द एक्रोसोम रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन विद अ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स शुगर जेल। अब ये थोड़ा मैकेनिज्म आप समझ लिए, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पॉलीसेक्राइड है के रिसेप्टर्स हैं, बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन सरफेस अबव द एक्रोसोमल प्रोसेस, ठीक हो गया। यानी पॉलीसेक्राइड के रिसेप्टर्स बने हुए हैं, वो रिसेप्टर्स को बाइंड करने में मदद करें, ठीक है जी। द एग जेली फैक्टर, अब ये देखें, इनिशिएट द एक्रोसोम रिएक्शन जी। द एग जेली कार्बोहाइड्रेट फॉर्म वन स्पीशीज फेल टू एक्टिवेट द एक्रोसोमल रिएक्शन इन द क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, यानी स्पीशीज स्पेसिफिक कई हो जाएगी। द एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोम रिएक्शन कंस्टिट्यूट अ बैरियर टू एंटर द टू इंटर स्पीशी फर्टिलाइजेशन, ये बहुत अहम बात है, इसको जरा देख लें। एक्रोसोमल रिएक्शन जो है ना, जो उसकी रिलेटेड स्पीशीज हैं उनके लिए ये बैरियर होता है, उनके स्पर्म को एंटर नहीं होने देता, ठीक हो गया। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर जी, उसने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लिया। अब ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म है, ये आपने ध्यान से सुनना है इस पूरे मैकेनिज्म को, इसमें पूरे स्ट्रक्चर के बारे में वो आपको बताएगा। द एक्रोसोम रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द रिपीटिंग पॉलीमर ऑफ फुकोज सल्फेट, ये पॉलीमर है, इसके पास चेन स्ट्रक्चर होती है। दिस सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट बाइंड टू इट्स रिसेप्टर ऑन द स्पर्म सरफेस, दिस रिसेप्टर एक्टिवेट द स्पर्म मेम्ब्रेन। अब स्पर्म के अंदर जितनी भी थ्री स्पर्म मेम्ब्रेन है उनको ये एक्टिव कर देता है। पहला पॉइंट है कैल्शियम ट्रांसपोर्ट चैनल है, जो कि कैल्शियम आयन स्पर्म में एंटर होगा, नंबर वन। नंबर टू सोडियम और हाइड्रोजन है, जो कि पंप करेंगे सोडियम आयन को स्पर्म के अंदर और हाइड्रोजन आयन को स्पर्म से बाहर। तीसरी चीज है फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम दैट मेक द अनदर मैसेंजर IP3। IP3 भी प्रोटीन है, able to release the calcium from the inside of the sperm. तीन पॉइंट हुए एक्रोसोम के साथ जब रिसेप्टर ने बाइंड किया, तो तीन स्टेप हुए। पहले पे क्या हुआ, कैल्शियम आयन चैनल ओपन हुए, बाहर से कैल्शियम आयन अंदर आ गए। नंबर टू सोडियम हाइड्रोजन पंप हैं, जो कि सोडियम आयन को अंदर भेजेंगे, हाइड्रोजन आयन को बाहर भेजेंगे। IP3 जो है ये कैल्शियम आयन को अंदर से बाहर। इन सारे प्रोसेस से होगा क्या, द एलिवेटेड कैल्शियम लेवल इज रिलेटिवली बेसिक साइटोप्लाज्म ट्रिगर द फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ये सारा यानी जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा तब एक्रोसोम की मेम्ब्रेन एग के साथ अटैच हो सकती है, वरना अटैच है नहीं। दोबारा सुन लें, एलिवेटेड कैल्शियम लेवल ट्रिगर द फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन विद द एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन, रिलीजिंग द एंजाइम कॉज द लाइसिस पैटर्न इन द एग जेली, ठीक है ना। यानी जो एग जेली थी उसके साथ अब उसने एंटर होना था, उसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना था, तो डाइजेस्ट करने के लिए कैल्शियम का हाई लेवल होना जरूरी है। तो कैल्शियम का हाई लेवल तब होगा जब ये रिसेप्टर मौजूद हो। सेकेंड स्टेप क्या होगा, द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, ये जो उसका हेड से लंबा सा हो जाता है। इस प्रोसेस में भी क्या होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये मैं आपको तस्वीर पे वापस लेके जाऊंगा।
कि जिसमें एक्टिन प्रोटीन होती है जिसमें वो एक्टिन फिलामेंट्स बनाते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम आयन इज थॉट टू एक्टिवेट द प्रोटीन ऑफ रोह बी। ये भी यहाँ भी कैल्शियम आयन अंदर आएंगे, रोह बी प्रोटीन एक्टिव होगी जो कि मिड पीस में होती है, जिसके नतीजे में दिस जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द एक्टिन साइटोस्केलेटन एंड थॉट टू एक्टिवेट द, यानी जो एक्टिन प्रोटीन को पॉलीमर का मतलब होता है लंबा करना, तो जो एक्टिन प्रोटीन की पॉलीमराइजेशन करवाएगी वो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन करवाएगी, उसको खून लेके आएगा, उसको कैल्शियम आयन लेके आएगा। ये जरा देखें ये एक्रोसोमल प्रोसेस दोबारा उसी फिगर पे हम जा रहे हैं जी। ये देखें ये एक्रोसोमल प्रोसेस है, ये जो एक्रोसोम लार्ज हुआ है इसको लार्ज करने के लिए ये देखें ये रेड वाली एक्टिन प्रोटीन, यहाँ पे आप देखें ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्रोसोम है, तो एक्रोसोम को लार्ज करने के लिए यानी एक्रोसोम प्रोसेस बनाने के लिए एक्टिन प्रोटीन, ये एक्रोसोम जो प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन जो है ये एक्टिन प्रोटीन अनलार्ज होती है, इसकी पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन मतलब है ये पॉलीमर चेन बना लेती है, जब लार्ज हो जाती है तो ये इसकी एक्सटेंशन हो जाती है, तो ये जो रिएक्शन हुआ है इसको हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में इसकी स्पेसिफिक बाइंडिंग हुई है, ठीक है जी, ये इस हेडिंग में एक्रोसोमल रिएक्शन स्पेसिफिक बाइंडिंग हुई है, उसको बाइंड करने के लिए खास किस्म के रिसेप्टर थे, रिसेप्टर जब बाइंड हुए हैं तो तीन प्रोटीन एक्टिवेट हुई है, ठीक है, तो तीन किस्म की प्रोटीन एक्टिवेट हुई है जी। वो तीन चैनल जो एक तो था कैल्शियम आयन फ्लक्स था, कैल्शियम आयन अंदर की तरफ दाखिल हुआ, दूसरा सोडियम आयन अंदर की तरफ दाखिल हुआ, हाइड्रोजन बाहर, IP3 में कैल्शियम आयन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसको रिलीज करवा देगा। तो जब कैल्शियम आयन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर ये बाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका यहाँ तक एक पॉइंट इसमें हो गया, ये सारा फर्टिलाइजेशन की हेडिंग में आ रहा है ये सवाल सारा। सेकेंड स्टेप में एक्रोसोम प्रोसेस की एक्सटेंशन किस तरह से होती है, यहां तक बात हो गई। आगे जनाब अगला पॉइंट है स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन, के अब जो मेन स्पीशी है उसके पास वो स्पर्म कैसे एंटर होता है। स्पीसी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन द स्पर्म कॉन्टैक्ट विद द एग जेली कोट प्रोवाइड द स्पीसी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। देखिए अगर ऐसा नहीं होगा ना तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें कि दूसरी अगर किसी स्पीसी के स्पर्म एंटर हो गया तो क्रोमोसोमल लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा। जब क्रोमोसोमल लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो जो इंडिविजुअल है वो वायबल नहीं होगा, ठीक है जी। तो उसमें अगर हम देखें अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो अनदर क्रिटिकल इज द स्पीसी स्पेसिफिक बाइंडिंग इवेंट, ये बहुत अहम है। वंस एचएन स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड द जेल कोटिंग, कहता है कि जेल कोट को पहुंच गया है, उसने एक्रोसोमल प्रोसेस कर लिया, लेकिन अगर वो किसी और स्पर्म का स्पीसी का स्पर्म है तो आगे जो इंडिविजुअल बनेगा वो वायबल नहीं रहेगा क्योंकि क्रोमोसोमल नंबर चेंज हो जाएगा। सो द एक्रोसोमल प्रोसेस मेडिएटिंग, हाँ जी, जो स्पर्म की सरफेस होती है उसके ऊपर बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ये बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है इन लोगों ने इसको आइसोलेट किया था ये एक्रोसोमल प्रोसेस के ऊपर। साइंटिस्ट फाउंड दैट इट इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग द डीजेल्ड एग ऑफ सम स्पीशीज, कि ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये स्पर्म की सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है, ये अब उसको इसमें हेल्प करती है कि वो अपनी ही स्पीशी के एग के साथ जाकर बाइंड करेगा। डी जेल जेल कहते हैं अगर हम किसी के एग में से अगर जेलीज निकाल देंगे तो तब ये बाइंड कर सकता है। इफ इंट्रैक्शन विद द एग इज स्पीसी स्पेसिफिक द बाइंडिंग प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्रोसोम ऑफ दिस स्पीशी बाइंड विद ओन डी जेल एग,
बट नॉट टू दो स्पीशीज, यानी दूसरी स्पीशीज का ये बाइंडिंग करेगा। ये वापस चले जरा, ये इसको ये देखें, ये अब एक्रोसोमल प्रोसेस हो गया, ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन थी, अब ये एक्रोसोमल प्रोसेस हो गया, इसके पीछे ये बाइंडिंग प्रोटीन है जो इसको ये जो ग्लोबुलर की एक्टिंग प्रोटीन के साथ आगे ये बाइंडिंग, ये देखे ना, ये अब ये इसका एक्रोसोमल एंजाइम ऊपर रिलीज हो गई, ये नीचे न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोमल प्रोसेस है, ये बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये बाइंडिंग प्रोटीन इसको स्पेसिफिक स्पीशी के एग के साथ बाइंड होने में मदद करेंगे। जब तक ये दोनों आपस में बाइंड नहीं करेंगे तब तक अगर ये किसी और स्पीशी के साथ ना कि ये बाइंडिंग इसको अपनी ही स्पीशी के एग के साथ बाइंड होने में मदद करेगी। ठीक हो गया। तो ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, स्पीशी स्पेसिफिक एग के साथ बाइंड करने में मदद करती है। कहते हैं कि हमें कैसे पता चला कि ये प्रोटीन है, वैसे तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि हमने इसको बकायदा बायोकेमिकल टेस्ट किए हैं, बायोकेमिकल टेस्ट से हमें ये प्रोटीन ये हमें डिटेक्ट हुई है कि ये बाइंडिंग प्रोटीन स्पर्म के हेड में मौजूद होती है। ठीक है ना, ये यहाँ पर देखिए, ये एक्रोसोमल प्रोसेस है, ये बाइंडिंग प्रोटीन है। कहते हैं कि ये हमने स्वाइन एंटी रैबिट इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन निकाली है जो कि पेरोक्साइड एंजाइम के पास होती है, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाती है, यानी इससे ना इन्होंने प्रोटीन को डिटेक्ट किया होगा कि ये वाकई प्रोटीन मौजूद होती है। सही है जी। और थोड़ा सा रह गया, घबराना नहीं है, थोड़ा सा रह गया ताकि वो आपको मुझे समझ आ जाएगी बात। तो जनाब आगे देखें जी, स्पर्म बाइंडिंग डज नॉट अकर over the entire egg surface। हाँ, ये भी बहुत अहम बात है। कहते हैं कि ये नहीं है कि किसी भी जगह पर स्पर्म एग के साथ बाइंड हो सकता है, बल्कि वहां पर एक स्पेसिफिक होगी प्रोटीन उसके साथ ये बाइंड करेगा। इवन एट सैचुरेटिंग नंबर ऑफ द स्पर्म्स देयर अपीयर टू बी रूम ऑन द ओवम फॉर मोर सरफेस हेड इंप्लाइंग अ लिमिटिंग नंबर ऑफ द स्पर्म टू बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये EBR1 ये 35 किलो डेका ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि ये प्रॉपर्टी शो करती है बाइंडिंग रिसेप्टर इसके पास है इसके एग के ऊपर। दोबारा सुन लें, एग की सरफेस के ऊपर खास किस्म की प्रोटीन होती है जहां पर स्पर्म का एक्रोसोम आकर बाइंड करता है। इसके अलावा EBR1 के अलावा वो कहीं पर बाइंड है, यानी स्पर्म कहीं भी बाइंड नहीं कर सकता। दीज बाइंडिंग रिसेप्टर यानी EBR1 बाइंडिंग रिसेप्टर है, और बाइंडिंग रिसेप्टर के बाइंडिंग किसके ऊपर थी, एग के ऊपर, और थॉट टू बी एग्रीगेटेड इनटू द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द वाइट लाइन एनवेलप एंड 100 ऑफ सच कॉम्प्लेक्स आर नीडेड। बात समझ आ गई है, ये बहुत अहम पॉइंट है कि इसमें उसको बाइंडिंग को अट्रैक्ट करने के लिए स्पर्म के जो देखिए ना रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग ऑन द एग वाइट लाइन एनवेलप टू रिकॉग्नाइज द प्रोटीन पोर्शन जो कि ये भी स्पीशी स्पेसिफिक है। ठीक हो गया। उस प्रोटीन का नाम क्या है, EBR1 ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एग की सर्फिस के ऊपर, ठीक है, और बाइंडिंग किसके ऊपर, स्पर्म की सरफेस के ऊपर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। सही है। इसको अगर हम देखें तो बच्चों यहां तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बाकी फिर आगे वो फर्टिलाइजेशन इनवेलप है कि फ्यूजन की किस तरह से इनकी होती है। तो एक्रोसोमल आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये आपने ये सारी बातें देखनी है। मैं आपको जरा इसका सम अप कर लूँ, क्वेश्चन हमने कहाँ से शुरू किया ये देख लें। ये आप अपना अगर सिलेबस इसका खोलेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, तो ये हेडिंग है फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में, रिकॉग्निशन ऑफ एग एंड स्पर्म, कि किस तरह से एक स्पर्म एग को रिकॉग्नाइज करता है, और वो स्पर्म और एग की बाइंडिंग इतनी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि अगर वो किसी और स्पीशी की हो जाएंगे तो वो आपस में क्या कर देंगे,
क्रोमोसोमल नंबर मिसमैच हो जाएगा और जो डेवलपिंग इंडिविजुअल है वो सर्वाइवल नहीं करेगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने कीमोटैक्सिस का देखा था, एक्रोसोमल वेजिकल की एक्सोसाइटोसिस यानी वो एक्रोसोमल हेड फट जाएगा, एक्सोसाइटोसिस रिलीज ऑफ कंटेंट ऑफ, फिर बाइंडिंग प्रोटीन पे हमने बात की थी, ठीक है ना। तो ये उसने पहले कहा कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है तो फिर हमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी स्पीशीज के उधर स्पर्म और एग पड़े हुए हैं तो क्या वो आपस में मिक्स तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका फिर उसने आंसर बताया कि भाई ऐसा नहीं होता, हर एक स्पीशी का जो एग होता है वो स्पेसिफिक स्पीशी के स्पर्म को ही अट्रैक्ट करता है और उसी को एक्टिव, ठीक है बच्चों। फिर हमने ये देखा कि स्पर्म अट्रैक्ट कैसे होता है, एक्शन एट द डिस्टेंस कैसे होता है, स्पर्म कैसे अट्रैक्ट होता है कि जो एग होता है वो कीमोटैक्सिस, स्पर्म कीमोटैक्सिस करता है, एग केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। कीमोटैक्सिस हमने पढ़ा, तो कीमोटैक्सिस में हमने देखा कि भाई कौन सा ऐसा केमिकल है जो ये रिलीज करते हैं। तो उसने कहा कि जनाब इसमें एक्चुअली जो पीएच होती है इसकी वो मेन बात है कि जब पीएच डाउन होती है तो पीएच जो है वो पहले 7.2 होती है, बाद में 7.6 पे चली जाती है, जिसकी वजह से डायनिन एटीपेज एक्टिव हो जाता है और स्पर्म जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। यहाँ तक तो हो गया कि स्पर्म मूव हो गया, स्पर्म के मूव होने के बाद हमने अगला पॉइंट ये देखा भी स्पर्म को अब डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अब एग क्या रिलीज करता है, रेसेट प्रोटीन, ये रेसेट प्रोटीन जो है ये स्पर्म को डायरेक्शन देती है, अभी अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। अच्छा जी, क्यों, वो कहता है कि हमने स्लाइड के ऊपर रखा था तो उस पर हमने देखा कि जैसे पहले स्पर्म गोल घूम रहे थे, उसके बाद जब रेसेट प्रोटीन हमने डाली है तो जिस तरफ हमने इंजेक्शन किया था सारे के सारे स्पर्म उधर जमा, ठीक है। अब फिर अगली बात ये आ गई कि रेसेट प्रोटीन किस तरह से स्पर्म को अट्रैक्ट, स्टूडेंट्स आप जब तक ये मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये दिन में रखेंगे, मैकेनिज्म वो जरूरी है, जब तक आप ये मैकेनिज्म नहीं देंगे उस वक्त तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो लिहाजा इससे आपने घबराना नहीं है, ये मैकेनिज्म आपने तैयार करने, सही है जी। तो उसमें भी हमने देखा कि जैसे वो रेसेट रिलीज होता है तो स्पर्म के ऊपर उसके रिसेप्टर होते हैं, स्पर्म के अंदर ये गोनाइल साइक्लेज एक्टिव हो जाता है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक चेंजेस लेके आता है, जिससे क्या होता है साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट आ जाता है, जिसकी वजह से वो कैल्शियम आयन अंदर दाखिल होते हैं, ये कैल्शियम आयन उसको क्यों देते हैं, इशारा देते हैं कि तुमने इस तरफ जाना, ठीक है ना। और ये सिंगल स्पर्म और सिंगल एग की बाइंडिंग को ही इंश्योर करते हैं, ये देखे ना, ये वो आपको दिखा रहा है, ये इसकी मेम्ब्रेन है एग की, ये देखे ना स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्या हुआ, ये रेसेट प्रोटीन आई है, ये रेसेट किसने रिलीज की है, एग ने। अब ये रेसेट के लिए ये रिसेप्टर है इसके पास, जैसे ये रिसेप्टर इसके पास आया इस रिसेप्टर ने गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ये गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, इसने कैल्शियम आयन को ओपन करवा दिया, कैल्शियम आयन बाहर से आ रहे हैं, ये बाहर सी एनवायरमेंट कैल्शियम आयन अंदर दाखिल हो रहे हैं, स्पर्म ने मूव करना शुरू कर दिया। तो ये दो बातें हमने इसमें देखी, ये डायग्राम भी आपने सुना। उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट जो हमने देखा, ये स्पर्म को एक्टिवेट करना, वो भी इसी में आ जाएगा कि ये सारे एंजाइम इसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं तो स्पर्म मूव करता है और उसकी तरफ चला जाता है। अगला जो मेन पॉइंट है वो है एक्रोसोमल रिएक्शन, कि स्पर्म किस तरह से अट्रैक्ट होता है, ये एक्रोसोमल प्रोसेस क्या है। आपने देखा कि ये डायग्राम में भी आपने देख लिया कि स्पर्म जो है वो उसका एक्रोसोम उसका हेड होता है, वो इलांगेट होता है, स्पर्म प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है, क्योंकि जो है कि मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है, तो वो उस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके उसमें यानी जो जेली है उसकी ये
ये जो उसकी जेली है, ये जो येलो में आपको नजर आ रही है नीचे, ये जेली को डाइजेस्ट करके ये उसकी मेम्ब्रेन तक पहुंच, तो जेली को ये व्हाइट लाइन इनवेलप, ये जेली की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसको ये डाइजेस्ट करने के लिए एक्रोसोम बनेगा। एक्रोसोम के पीछे ये एक्टिन प्रोटीन है, ये पहले एक्रोसोम इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, फिर एक्रोसोम की इलांगेशन होती है जिसकी वजह से ये प्रोटीयोलिटिक एंजाइम है, और ये देखना स्पेस आपको नजर आ रही है, उसने इसको डाइजेस्ट करके अपनी जगह बना ली। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन इसमें। फिर हमने ये देखा कि एक्रोसोम की सरफेस के ऊपर ये बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ये बाइंडिंग प्रोटीन स्पेसिफिक स्पर्म की सरफेस के ऊपर है जो कि एग के साथ जाकर बाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो हमने ये देखा कि किस तरह से वो उसको अट्रैक्ट करता है, यानी एक्रोसोम किस तरह से क्या क्या रिएक्शन करता है। तो हमने देखा था कि जब वो बाइंड करता है तो तीन तरह के उसमें रिएक्शन होते हैं, सही है ना, तीन तरह के चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं, कैल्शियम आयन अंदर आ जाता है। याद रखिएगा, आपके कभी एमसीक्यूज आ जाए, कभी कोई और क्वेश्चन आपका आ जाए, तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपका जो फर्टिलाइजेशन में मेन आयन जो आयन रोल प्ले कर रहे हैं वो कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आ जाता है, तो कैल्शियम आयन जैसे अंदर आता है उसका लेवल जब हाई हो जाता है कैल्शियम आयन का इन साइड दी साइटोप्लाज्म को, वो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन में से प्रोटीयोलिटिक एंजाइम को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से उसके व्हाइट लाइन एनवेलप को वो डाइजेस्ट। ये तीन चैनल आपने लिखने हैं, कैल्शियम चैनल, सोडियम और हाइड्रोजन चैनल, और आखिर पे IP3। ठीक है, ये एक्रोसोमल प्रोसेस में है। ये सेकंड पार्ट एक्रोसोमल रिएक्शन में पोलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन प्रोटीन जो उसको लंबा करेगी। ठीक है ना, पोलीमराइजेशन, ये बात हो चुकी है हमारी रेड वाली जो आपको मैंने दिखा। तीसरी चीज जो उसमें आई थी कि एक ही स्पीसी के स्पेसिफिक जो प्रोटीन है या स्पीसी के स्पेसिफिक जो स्पर्म और एग आपस में बाइंड करते हैं, तो सिंपल सी बात है, स्पर्म के ऊपर बाइंडिंग प्रोटीन होती है और एग की सरफेस के ऊपर बाइंडिंग प्रोटीन के लिए रिसेप्टर होते हैं। ठीक है ना, दो चीजें आपस में बाइंड करती हैं, वो जो बाइंडिंग प्रोटीन आपस में जब बाइंड कर जाती है उसके नतीजे में फिर क्या होता है, उसके नतीजे में वो उसी स्पीशी का स्पेसिफिक स्पर्म स्पेसिफिक एग के साथ बाइंड कर जाता है। ये आप देखें, यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ, ये एक्रोसोमल प्रोसेस है, ये बाइंडिंग प्रोटीन है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें वो आपको समझा ये रहा है कि हमने बाइंडिंग प्रोटीन को वेरीफाई किया कि वो एक्रोसोम के ऊपर मौजूद होती है, बस इतना बताना जरूरी है कि स्पर्म के एक्रोसोम के ऊपर बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ठीक है ना, ये जो हमने प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अलहदा कर लेना, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से इसको अलहदा किया, वो ये इतना जरूरी भी नहीं है, आप बस उसको बता देंगे बाइंडिंग प्रोटीन होती है, और उसके बाद फिर ये उसको बताएं कि स्पर्म की सरफेस जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो है कि एक खास जगह पर जाकर बाइंड करती है। ठीक है ना, स्पर्म बाइंडिंग डज नॉट अकर ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द एग, एग की पूरी सरफेस के ऊपर वो बाइंड नहीं कर सकता, नॉट एट ऑल, वो स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर स्पर्म और एग आपस में बाइंड करेंगे, और उस जगह पर ये EBR1 प्रोटीन है, स्पर्म बाइंडिंग साइट है, ये प्रोटीन है, ये बाइंडिंग का रिसेप्टर है, इसके साथ बाइंडिंग मौजूद, बाइंडिंग जो है वो जो आपने बाइंडिंग प्रोटीन पढ़ी है, रिसेप्टर जो पढ़े हैं, ये उसके साथ जाकर बाइंड कर देंगे। अब ये बाइंडिंग और EBR1 ये दोनों स्पीशीज स्पेसिफिक हैं, ये किसी और स्पीसी के EBR1 के साथ जाकर बाइंडिंग कर सकते, बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये सवाल स्पर्म एंड एग रिकॉग्निशन कि किस तरह से वो दूसरे को पहचानते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, किसी और स्पीशी का स्पर्म किसी और स्पीशी के एग के साथ बाइंड नहीं करता। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका ये सवाल कंप्लीट होता है, उसके बाद इंशाल्लाह इसमें फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में एक सवाल आपका रह गया है, वो ये फील ऑफ एग और स्पर्म मेम्ब्रेन है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसके बारे में बता दूंगा।
तो आप बच्चे इसको पढ़ें, इस सवाल हो तो आप ये सवाल किया करें। तो ये इसके बाद ये फ्यूजन है और ये ब्लॉक्स हैं, यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया ना, ये दो चैप्टर जो मैंने आपको आपको पढ़ा दूंगा कल के लेक्चर के बाद, इंशाल्लाह इसमें से आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है ना। तो ये मैं कंप्लीट करके तो नेक्स्ट वीक आपको टेस्ट भी रखूंगा, ठीक है। ये पुलिस कर्मी भी बाद में बात करेंगे, तो ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ये फ्यूजन ऑफ का कोर्स करूंगा। तो आज के लेक्चर में आपने देख लिया कि हाउ अ स्पेसिफिक स्पर्म रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक एग, ठीक है जी, किस तरह से वो ट्रैवल करके वहाँ पहुँचता है। तो बाजार देखने में छोटी क्लासेस में आपने जस्ट पढ़ लिया था कि जी फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हमने बीच में डिस्कस किए हैं उनका बताना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी अट्रैक्शन के बगैर ये प्रोसेस नहीं हो सकता। और आप उनको ये जो ये डायग्राम आपने ये हाईलाइट करनी है बीच में, और एक डायग्राम ये वाली, इसकी आप प्रैक्टिस करें। ये सी अर्चिन वाला भी हमने पढ़ा है, अभी हमने मैमल्स का नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये डायग्राम इसकी प्रैक्टिस करें बकायदा, इसको तीन दफ़ा बनाइए, ताकि जब अपना अपना क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है तो इस डायग्राम को अपने सेंटर में बना, या तो किसी एंड पे नहीं लेके जाते, सेंटर में बनाएंगे, प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर इसको लेबल करें, ताकि आपको उसके जो है वो मार्क्स मिल सकें, और मार्कर के साथ बीच में बनाएं, अच्छा सा पेपर बनाएं। आपके जो सीनियर थे उनका काफ़ी दफ़ा हुआ था टेस्ट वगैरह होते रहे हैं, आपने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं दिया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है वो सेमेस्टर वालों के साथ है। तो प्लीज़ तैयारी करें अच्छी तरह से, अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो आप नेक्स्ट जो है वो कम्प्लीट कर सकेंगे। अदरवाइज जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं कि देखें अभी आपका प्रॉपर जो टेस्ट सिस्टम CME से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा जी, वो मुझे देख लें, अगर वो मैनेज आपसे हो जाता है तो ठीक है, वरना ये आपके लिए प्रॉब्लम ही है कि खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करना शुरू करें। वैसे भी आप वो मैट्रिक और FSC के स्टूडेंट नहीं हैं कि आपको वो बारी बारी वो खुद ही कॉलेज की तरफ से हो गया अंडरस्टैंड, सेल्फ प्रिपरेशन सेल्फ रीडिंग कोशिश करें। और मैं हैरान हूँ कि किसी बच्चे ने मुझसे ये सवाल ही नहीं किया इसके बारे में, ठीक है। जैनब ने दो सवाल करने चाहे हैं, बाद में उसने वो भी कोई नहीं पूछे मुझसे। बच्चों पढ़ें इसको अच्छी तरह से, इसको तैयार करें। तो ये आसान नहीं है, लेकिन आपके लेवल का है, तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम को ज़ाया नहीं करना, टाइम को यूटिलाइज करें, ठीक है। आपके क्वेश्चन हो तो योर क्वेश्चन आर वेल, थैंक यू वेरी मच।